शोपिया में जो ग्रेनेड हमला हुआ था, आपसे कुछ देर पहले हमने आपको खबर दिखाई, गंभीर खबर आई है कि एक बच्ची की, एक लड़की की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में जो ग्रेनेड हमला आतंकवादियों ने किया, उसमें एक लड़की की मौत की खबर आ रही है। ये पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था। पुलिस पार्टी पर आतंकवादियों के इस हमले में एक स्थानीय लड़की की मौत हुई है, जो वहां पर मौजूद थी। उस लड़की की मौत हुई है, गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया था, अस्पताल ले जाया जा रहा था, तुरंत वहां पर एम्बुलेंस पहुंची थी। हालांकि पुलिस पार्टी पर ये जो हमला आतंकवादियों ने किया था, उसमें ज़्यादा बड़ा नुकसान पुलिस पार्टी को नहीं हुआ था। आतंकवादी ग्रेनेड फेंक कर भाग गए थे। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कश्मीर में आतंकवादी ग्रेनेड से हमला कर रहे हैं, और कल भी इसी तरह का हमला ग्रेनेड से हुआ था। लेकिन आज जो हमला हुआ, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर यह हमला हुआ था, यहीं पर पुलिस पार्टी पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका था, जिसमें एक लड़की की मौत हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, हम आपको जानकारी देते रहेंगे इस पर, जिस बच्ची की मौत हुई है। लेकिन बीजेपी नेता सुशील मोदी का एक बड़ा बयान आया है, बिहार से ये खबर आई है। बिहार में नीतीश ही गठबंधन के हमारे बड़े भाई हैं, जेडीयू के प्रस्ताव पर बोले हैं सुशील कुमार मोदी, जिन्होंने ये कहा है कि केंद्र में मोदी, बिहार में नीतीश। जेडीयू की कल बैठक हुई थी, उस बैठक में ये फैसला लिया गया था कि एनडीए की तरफ से बिहार में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे पार्टी का, और आज बीजेपी की तरफ से भी उस पर मोहर लग गई है। बिहार में बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि गठबंधन के बड़े भाई होंगे नीतीश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन बिहार में तो नेता नीतीश कुमार है, इसलिए बिहार के अंदर जो वोट मिलेगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पर और नीतीश कुमार के काम के नाम पर, जिसमें विरोधाभास कहाँ है। बिहार में तो चेहरा नीतीश कुमार है, तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, तो आज हमारे में दो चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा और नीतीश कुमार का चेहरा। और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया है, और केंद्र की सरकार ने जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया है, ये दोनों के आधार पर हम बिहार की जनता से वोट मांगेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।